मेरी माटी मेरा देश, उन गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों और वीर जवानों की कहानियाँ जो अपनी मातृभूमि के लिए लड़े और जिनका मानना था कि उनकी मिट्टी सिर्फ भूमि नहीं है बल्कि वह विरासत है जिसके लिए अपनी जान भी दे दी जाए तो कम है। आइए अब सुनते हैं सीकर राजस्थान के कोलीडा गांव के शहीद भागीरथ मल की कहानी उनके बेटे की जुबानी। कर्षक पिता छोटू राम व पत्नी सुंदर देवी के सबसे छोटे पुत्र भागीरथ मल का जन्म 5 फरवरी 1959 को कोलीडा ग्राम सीकर में राजस्थान में हुआ था। शेखावाटी क्षेत्र में युवाओं को आर्मी में जाने का शौक है, वैसे ही मेरे पिताजी भी आर्मी में जाने के इच्छुक थे। उन्होंने उस शौक को पूरा भी किया। 27 जनवरी 1977 को वो लेस नाइक के पद पर भर्ती हुए। 6 जून 1984 को अमृतसर की तैनाती के दौरान मेरी माटी मेरा देश की सेवा करते हुए वो वीरगति को प्राप्त हुए, जिसके लिए उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। उनके शौर्य से प्रभावित होकर समाज सेवियों ने उनकी मूर्ति की स्थापना की। उन्होंने मेरी माटी मेरे देश का कर चुकाया। मुझे ऐसे परिवार का सदस्य होने पर गर्व महसूस होता है। जय हिंद, जय भारत। आइए इन वीरों की माटी को नमन करें, उनके परिवार का वंदन करें।